भर्ती होने के बाद या फिर कुछ वॉलंटियर्स के रूप में सहयोग करते हैं ट्रैफिक के लिए? आप जैसा कि जाना पहचाना नाम है आरआई ग्रुप से आरती मैडम, आपसे मिलने आई हैं, कुछ आपसे आशा रखते हैं भविष्य में मैम? थैंक यू सर, सबसे पहले तो सबको ऑल द बेस्ट। जितने लोग यहाँ पर एग्जाम में जाने वाले हैं रनिंग में या कंपटीशन में, वो सब सेलेक्ट हो मेरी ऐसी आशा है, सभी का सिलेक्शन हो। और आप सभी लोग एक ऐसे ग्रुप से जुड़े हैं, ओपी जायसवाल ग्रुप, जो पूरे देश में अपने आप में जाना पहचाना नाम है। और कई ऐसे ऑफिसर अधिकारी सर ने दिए हैं इस देश को कि शायद मैं नहीं समझती कि कोई और ऐसा व्यक्तित्व है। तो आप सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि सर के नेतृत्व में आपको सबको सीखने को मिला, यहाँ तक पहुँचने को मिला, और आगे भी आप बहुत अच्छे ऑफिसर्स बनेंगे। मैडम का भी आपको मार्गदर्शन मिला कि आगे आप लोगों को इस तरीके की एक्टिविटी रेगुलर मिलेगी। वास्तविकता है कि 20-25 साल में पहली बार गवर्नमेंट ने ऐसी योजना निकाली कि जिसमें पुलिस भर्ती के लिए प्रशिक्षण दिया गया। ये हमारे देखने में भी आया है कि आज तक कभी कोई ऐसी हेल्प नहीं मिली है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोग प्रिपेयर हो रहे हैं और आगे सेलेक्ट होंगे। दूसरा, मैं आप लोगों के बीच जो आज आई हूँ उसका मूल उद्देश्य मैं आपको बताना चाह रही हूँ। रिजर्व इंदौर मध्य प्रदेश पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की मैं पूरे मध्य प्रदेश की प्रभारी हूँ, और हम लोग ट्रैफिक अवेयरनेस, महिला सुरक्षा, चाइल्ड सेफ्टी और ऐसी कई समस्याएं हैं जिस पे पुलिस विभाग के साथ कार्य करते हैं। पुलिस विभाग की हर ऐसी योजना जो देश समाज के लिए ज़रूरी है उसको हम संचालित करते हैं। और हम लोग ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए अभी एक इवेंट कर रहे हैं 12 तारीख को, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ट्रैफिक को लेके कई बार सोचते होंगे, विचारते होंगे कि हम ऐसे होते तो ऐसा करते, इस तरीके से हमको मौका मिलता तो हम इस तरीके का कुछ चेंज करते, परिवर्तन करते। तो एक संगोष्ठी का आयोजन रखा गया है, और प्लस एक एक्टिविटी जिसमें आप लोग अगर चाहें तो पार्ट कर सकते हैं, जिन लोगों का भी स्कूल टाइमिंग में ऐसा कोई रोल रहा है, जैसे सॉन्ग कॉम्पिटिशन, स्टैंड अप कॉमेडी, शूटिंग, फिल्म बनाना या फिर ड्रामा, है ना। ऐसी एक्टिविटी अगर किसी के पास है तो वो लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। 12 तारीख को 11 से लेके 3 बजे तक का टाइमिंग है। तो जितने लोग भी इच्छुक हैं, अभी मैं आपको एक क्विज कॉन्टेस्ट का एक क्वेश्चन पेपर दूंगी, वो भी आप सॉल्व करके और भेजेंगे मुझे, तो उसमें भी जो विनर होंगे, जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, उसको भी प्राइज देंगे हम, और प्लस आप लोग वहाँ पर आकर अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप सभी लोग आएँ, भले नहीं पार्ट कर रहे हैं तो भी आएँ, क्योंकि आप सब इस शहर में रहते हैं, इस शहर की व्यवस्थाओं को अच्छा करना चाहते हैं। तो इस उद्देश्य के साथ हम जो संगोष्ठी आयोजित कर रहे हैं या जो आपके विचार हमारे बीच आएंगे उस पर हम कार्य कर पाएंगे। वहाँ बहुत सारे पुलिस के अधिकारी होंगे जिनके साथ आप मिलकर काम कर सकते हैं। आने वाले टाइम में हम लोग एक टीम गठित कर रहे हैं जो ट्रैफिक को सुधारने का प्रयास करेगी। जिस तरीके से पुलिस के कार्य से परिवर्तन आता है, वैसे ही आप लोगों के कार्य से भी परिवर्तन आ सकता है। जब आप जिस समय चाहे उस समय अपने एक्टिविटी को समय दे सकते हैं, जब आप फ्री हो जब, ओके। और एक कंपटीशन आपके कैरियर से रिलेटेड रखा गया है जिसका हम आयोजन कर रहे हैं, जीके कंपटीशन। तो आप सभी लोग तो मेरे ख्याल से रिजल्टेड हैं, सब लोग एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उस जीके कंपटीशन में हम देखना चाहेंगे कि कौन बनेगा सबसे बेस्ट जीके का नॉलेज रखने वाला स्टूडेंट। तो प्लीज़ अगर उसमें भी पार्ट करना चाहें तो आ सकते हैं। 11 से 1 का कैरियर से संबंधित कंपटीशन रहेगा, 1 से लेकर 3 बजे तक का ट्रैफिक से रिलेटेड एक्टिविटी रहेगा, ओके। प्रीतम लाल दुआ सभागृह है, वहाँ आप लोगों को आना है, और 11 से 3 का टाइमिंग है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग आएँ, और अभी जो ट्रैफिक क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा वो आप सॉल्व कर दें। एक विशेष बात मैंने सर के साथ हमेशा जब डिस्कस किया है तो इस चीज़ का मुझे कई बार मन में भी विचार आया है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ कि कई बच्चे ऐसे हैं जो बनना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम आता है। फाइनेंस को लेके जितनी पढ़ाई करी है या जितनी तैयारी करी है वो सब एक तरफ हो जाती है। आपने 3 साल 2 साल अच्छी तैयारी कर ली, 4 साल कर ली, पता लगता है कि ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके बीच कि आपको तैयारी छोड़ के एक जॉब में लगना पड़ता है, ओके। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिस्पेक्ट इंडिया इंस्टीट्यूट, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है,
जिसमें हम कैरियर से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखित परीक्षा की तैयारी करना, फिजिकल ट्रेनिंग, पुलिस लाइन में ग्राउंड में एक्टिविटी कराना, इस तरीके की एक्टिविटी होती है, बच्चों की होती है। आप लोग बहुत बड़े हो, हमारे यहाँ 9 ऑनवर्ड स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं, 12 तक के बच्चों को हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं। पर जब वो 12 तक आते हैं तो एक जॉब सामने आ जाती है, ऐसी जॉब जो वो अपनी पूरी तैयारी और पूरी पढ़ाई को एक तरफ रख के जॉब में लग जाए। तो इसी समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए हम लोग स्कॉलरशिप प्रोसेस लाए हैं, जो आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, उन बच्चों को भी कर रहे हैं और आपको भी देना चाहते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट इस प्रक्रिया से जुड़ना चाहते हैं वो रिस्पेक्ट इंडिया इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें अभी आपको सभी को इस स्कॉलरशिप योजना का लाभ मिलने की संभावना है। उसके लिए जिस दिन अपन आप लोग चाहेंगे उस दिन हम मीटिंग रख सकते हैं, या उस दिन प्रोग्राम के दिन भी आप लोगों को उस विषय में एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, तो कुल मिला के उद्देश्य ये है कि 2-3 साल भी अगर स्कॉलरशिप का सपोर्ट मिल जाता है आप लोगों को तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, मतलब आप पीछे नहीं रहेंगे। कुल मिला के 2 साल अगर आपको कोई सपोर्ट कर देता है फाइनेंशियली, तो मेरे ख्याल से जिस मंजिल पर आप पहुंचना चाहते हैं वहां तक पहुंच जाएंगे, और नहीं तो जितनी तैयारी करी सब एक तरफ रह जाती है। तो इसी समस्या के सॉल्यूशन के लिए हम सब मिलेंगे एक बार 12 तारीख को 11 बजे। प्लीज सभी लोग आए, और सर वहाँ पर स्पेशल गेस्ट रहेंगे, तो आप सभी को सर के सम्मान के लिए तो आना ही आना है।